प्रेरणा कथा बस रुको मत। ग्लेन कनिंगम के जीवन पर आधारित ये एक सत्य कथा है। एक बार जब वो 8 वर्ष के थे, एक आग दुर्घटना में वो बुरी तरह जल गए थे। उनका बचना लगभग अनिश्चित था। उनका बहुत लंबा उपचार हुआ। डॉक्टरों ने निर्णय दिया कि ग्लेन जीवन में फिर कभी भी चल फिर नहीं सकेंगे। ग्लेन हार मानने वाले नहीं थे और उन्होंने निश्चित कर लिया कि वो एक दिन अवश्य ही चल फिर सकेंगे। जैसे जैसे समय बीतने लगा, ग्लेन और भी अधिक प्रयास करने लगे और अपने आप को अपनी कुर्सी से नीचे फेंकने की कोशिश करने लगे। 22 महीनों के कड़े संघर्ष के बाद वो बगीचे के किनारे पर लगी फटियों को पकड़ पकड़ कर अपने को खड़ा करने में सफल हो गए। अपने इसी संकल्प और विश्वास के कारण ग्लेन एक बार फिर चलने फिरने में और दौड़ने में भी सफल हुए। उनकी कथा इस प्रकार है। एक लड़का सुबह सुबह स्कूल आता था। स्कूल को गर्म रखने के लिए स्टोव जलाने का जिम्मा उसका था। शिक्षकों और अन्य छात्रों के आने से पहले वो सभी कमरों को गर्म कर देता था। एक दिन जब शिक्षक और छात्र स्कूल पहुंचे, उन्होंने देखा कि स्कूल में आग लगी हुई थी और वो लड़का जो आग जलाने का काम करता था, बेहोश अवस्था में एक कमरे में गिरा हुआ मिला। सभी ने मिलकर उसको जलते हुए कमरे से बाहर निकाला। वो लड़का बुरी तरह जल गया था और उसके कमर के नीचे का हिस्सा तो बिल्कुल झुलस ही गया था। उसको तुरंत ही अस्पताल पहुंचा दिया गया। अर्ध बेहोशी की अवस्था में उसने डॉक्टर और उसकी माँ के बीच हो रही बातचीत सुनी। डॉक्टर उसकी माँ को कह रहा था कि उनका बेटा जीवित नहीं बचेगा और अगर बच भी गया तो वो पूरा जीवन चल फिर नहीं सकेगा, क्योंकि उसके शरीर का कमर के नीचे का भाग बेकार हो चुका था। वो लड़का मरना नहीं चाहता था और उसने जीवित रहने का संकल्प किया। कुछ दिनों के बाद सभी चकित हो गए क्योंकि वो लड़का बच गया था। एक दिन फिर उसने डॉक्टर को कहते हुए सुना कि वो जीवन भर के लिए अपंग हो गया था और वो पूरा जीवन चल फिर नहीं सके। लड़के को मालूम था कि उसके कमर के नीचे के हिस्से में कोई भी गतिविधि नहीं हो रही थी, पर वो फिर भी हार नहीं माना और उसने फिर से चलने के लिए संकल्प किया। लगभग 1 महीने के बाद उसको अस्पताल से छुट्टी मिल गई और उसकी माँ उसको एक पहियों वाली कुर्सी पर बिठाकर घर ले आई। उसकी माँ उसकी टांगों की रोज मालिश करने लगी, पर 2 महीने के प्रयास के बाद भी उसकी टांगों में कोई हलचल नहीं हुई। लड़के ने फिर भी हार नहीं मानी। वो लड़का अपनी पहियों वाली कुर्सी पर बैठकर घर के बगीचे में इधर उधर जाने लगा। वो कुर्सी के पहियों को अपने हाथों से चलाता था। एक सुबह मौसम अनुकूल था और सूरज की गर्मी ने उस लड़के को बहुत सुख प्रदान किया। वो अपनी कुर्सी में बैठा बांस की बाड़ को देखने लगा जो बगीचे के किनारे किनारे लगी हुई थी। उसने अचानक खुद को कुर्सी से नीचे गिरा दिया और रेंग रेंग कर उस बाढ़ की तरफ जाने लगा। लगभग 1 घंटे के कठिन प्रयास के बाद वो बांस के टुकड़ों से बनी हुई उस बाढ़ तक पहुंच गया। उसने एक बांस को पकड़कर खुद को ऊपर उठाने का प्रयास किया। उस दिन वो खड़ा नहीं हो सका और वो हताश होकर रह गया। उसकी माँ ने आकर उसको फिर से कुर्सी पर बैठा दिया। लड़के ने हार नहीं मानी और वो हर दिन यही प्रयास करने लगा।
तीन महीने तक वो प्रयास करता रहा। एक दिन वो बांस की बाड़ को पकड़कर खड़ा होने में सफल हो गया। कुछ दिन बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर बाड़ को पकड़कर हल्के हल्के चलने लगा। कुछ दिनों में वो फिर से चलने फिरने में सफल हो गया। एक महीने बाद उसने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन वो घर लौटते समय एक जगह रुक गया और धीरे धीरे दौड़ने लगा। वो बहुत ही प्रसन्न हो गया। कुछ महीनों के बाद वो सामान्य लड़कों की तरह दौड़ने ही लगा। वो दिन रात दौड़ने का अभ्यास करने लगा। फिर एक दिन उसको स्कूल के धावकों के दल में शामिल कर लिया गया। वह पूरी तरह सामान्य हो चुका था। हालांकि उसको यहां तक पहुंचने में 22 महीने लग गए थे। भविष्य में एक दिन वो लड़का जो अपंग हो चुका था और जिसको डॉक्टर ने सदैव के लिए अपंग घोषित कर दिया था और जिसको अपने पैरों पर फिर से खड़े होने में इतने महीने लग गए थे, वो लड़का एक युवक बन चुका था। वो लड़का डॉक्टर ग्लेन कनिंगम मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दुनिया में सबसे तेज 1 मील दौड़ने वाला व्यक्ति बन गया। मित्रों, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, पर लगन, साहस और हार न मानने का जज्बा जरूरी होता है। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है। किसी भी लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।